कहीं लड़कों के इन लॉज बहुत बदतमीज होते हैं, कहीं लड़कियों के इन लॉज बहुत बदतमीज होते हैं। ओवर पावर करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मिसट्रीट करते हैं, ताने मारते हैं, अपने बच्चे को मिसगाइड करके उसके पार्टनर के खिलाफ भड़काते हैं, उनसे भी गलत ट्रीटमेंट कराते हैं। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ओवरवेलमिंग है, इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है और बहुत प्रोमिनेंट है, हमारे समाज में बसी हुई है। अब क्या, पहले तो लोग दबे कुचले रहते थे, मजबूर रहते थे, डरते थे कि यार इज्जत खराब ना हो जाए यार, लोग जज ना करें यार, लोग मजाक ना उड़ाए यार, शादी ना टूट जाए यार। आज की डेट में प्लीज ये सब बंद कर दो। किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो आपको अब्यूज करे, गालियां दे, ताने दे, ब्लैकमेल करे, मिसट्रीट करे। अगर आपके इन लॉज आपको टॉर्चर कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करना। अब इसमें मैं एक गलती आपकी निकालूंगा, कई लोगों को ना भला बनने का बहुत शौक होता है, मैं सबके सामने अच्छी दिखनी चाहिए, सब मेरी इज्जत करें, मेरा नाम हो कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, या लड़कों के लिए भी, वो गलत है। एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जियो। अगर आपके सास ससुर आपसे भेदभाव कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी शो ऑफ नहीं करना, आपने भला नहीं बनना। गाली सुन के भी कहीं लोग भलाई करने चल देते हैं कि मेरा नाम अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना। आज की डेट में मैं मानता हूं खून से ज्यादा रिश्ते प्यार के होते हैं। जो इंसान आपको प्यार कर रहा है, इज्जत दे रहा है, उससे रिश्ता रखना है, और जो नहीं दे पा रहा है उससे रिश्ता नहीं रखना है। बहुत सिंपल बात है। अब आपका हस्बैंड है, वो अपने माँ बाप को प्यार करता है, उनका साथ निभाएगा, लेकिन उनके माँ बाप से आपकी नहीं बन पा रही, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपके विचार नहीं मिलते, तो आप उनसे इंटरेक्शन कम कर दो, उनको प्लीज मत करो, खुश करने की कोशिश मत करो। वो आपको कोई सलाह दे रहे हैं या ताने दे रहे हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उनकी बातों को ओवर वैल्यू देना बंद कर दो। वो आपकी लाइफ के कुछ हो सकते हैं, सब कुछ नहीं है। और अगर वो आपको खराब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने चाहिए, उनको इररिलेवेंट बना दो, वो जो कह रहे हैं इग्नोर मार दो। उनको रियलाइज हो जाएगा कि हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है इसकी आंखों में, अपने आप सुधर जाएंगे, और नहीं भी सुधरेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, तानों को, गंदी बातों को, अपनी लाइफ पे फोकस रखो। अपने पार्टनर को उस चीज में कोशिश करो इन्वॉल्व ना करो, जब तक कि वो लोग ही आपके पार्टनर को सिखा भला के ट्रेन नहीं कर रहे, भड़का नहीं रहे, तब तक कोशिश करो कि पार्टनर को इन्वॉल्व ही मत करो। पार्टनर का और आपका रिलेशन बहुत अलग है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और अगर आपके इन लॉज या कोई भी एक्स वाई जेड रिलेटिव हैं, उनकी आपसे नहीं बनती, वो ताने मारते हैं, इल ट्रीट करते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दो, इल ट्रीट होना बंद कर दो। उम्मीद करता हूँ आज की डेट में आप इंडिपेंडेंट होगी, नहीं हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पैसा अपना कमाया हुआ यूज़ करो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, किसी की गलत बात नहीं सुननी, जो इज्जत दे रहा है उसको इज्जत करो, जो इज्जत नहीं दे रहा है उसकी सुनना बंद कर दो, इग्नोर कर दो, खुल के इग्नोर करो। और अगर वो पार्टनर को बेकार है, तो अपने पार्टनर को ठंडे दिमाग से समझाओ कि तुम ऑब्जर्व कर लेना कि मैं गलत हूं, वो गलत है, अगली बार शांति से सिर्फ ऑब्जर्व करना, अगर तुम्हें लगेगा मैं गलत हूं तो मुझे बताना, ऐसे बात करो पार्टनर से। ये नहीं कि झगड़ा कर लिया कि तुम्हारे तो घर वाले गलत हैं, ये मत बोलो। कोई भी इंसान किसी से प्यार करता होगा उसके बारे में एकदम नहीं सुन पाएगा, उनसे सिर्फ ये बोलना कि एक बार ऑब्जर्व कर लो जरा बिहेवियर, उनको दिखाना, और फिर उस इंसान को इग्नोर करना चालू कर देना। अपने पार्टनर से रिश्ते ना बिगाड़े, लाइफ को ना बहुत टैक्टफुली जीना चाहिए। हर इंसान से लड़ाई कर दोगे, बदतमीजी कर दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। कई लोग इतने गिरे हुए होते हैं, जितनी बदतमीजी करोगे ना उतना ही आपके सिर पे चढ़ेंगे, उतना ही और उनको मौका मिलेगा, वो मौके ढूंढेंगे, वो तो चाहते ही यही है, उनकी लाइफ में और कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ उनको लड़ाई झगड़े करने हैं, लोगों को बेइज्जत करवाना है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना लेवल हाई है उसको मेंटेन रखो, उस इंसान से डील मत करो, इग्नोर करना चालू कर दो। वो कोई ताने मार रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दो, एक बार देखो और साइड में देख के आगे चले जाओ, बस। शांति से, क्षमता से, समझदारी से ऐसे खराब लोगों से डील करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।